जनपद बहराइच के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कूटी से जिला मुख्यालय जा रहे दंपत को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी, जिससे दंपत की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है, जबकि टक्कर के बाद कार भी खंड में जा गिरी है। पुलिस ने मृतकों के शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया है। पूरा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के सतीजोर गांव निवासी अब्दुल मुन्ना अपनी पत्नी सितारुन निशा के साथ मंगलवार दोपहर में स्कूटी से जिला मुख्यालय जा रहे थे, तभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामगांव थाना क्षेत्र के तुलसीपुर चौराहे के पास स्कूटी सवार पहुंचे, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही अब्दुल मुन्ना की मौत हो गई है, जबकि घायल महिला को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल के लिए भेजा गया, लेकिन कुछ ही दूर पर जाते ही महिला ने भी दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना पाकर चौकी इंचार्ज अख्तर खान, प्रभारी निरीक्षक अमित्रेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से रही, जहां बहराइच पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कूटी से जिला मुख्यालय जा रहे दंपत को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी, जिससे दंपत की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। वही पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया गया है।